बाली उम्र लड़कियां, बाली उम्र लड़कियां, अभी छेड़ो न सैया, बाली उम्र लड़कियां, अभी छेड़ो न सैया। आइए मैं चलता हूँ लेकर के आदरणीय पूनम श्रीवास्तव जी इस मंच पर बैठी हुई हैं और मैं आप तक इनको पहुंचाने की कोशिश भी करता हूं। मैं चाहता हूं नज़ीर बनारसी का एक शेर पढ़ूं कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे मेला कौन देखेगा। लेकिन मैं इनको देखता हूं तो मुझे लगता है यही चार पंक्तियां पढ़ देनी चाहिए कि किसी का दिल तरी से चल रहा है, किसी का मस्खरी से चल रहा है, तुम्हारे दिल से दिल कैसे मिलाएं, सुना है बैटरी से चल रहा है। जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय पूनम श्रीवास्तव जी। दिल में अपने तुम्हारा है गम रख लिया। वाह क्या कहने। दिल में अपने तुम्हारा है गम रख लिया, दिल में अपने तुम्हारा है गम रख लिया, हमने उल्फत का तेरी भरम रख लिया, हमने उल्फत का तेरी भरम रख लिया, तुम अंधेरे बिछाते रहे राह में। क्या बात है। तुम अंधेरे बिछाते रहे राह में, तुम अंधेरे बिछाते रहे राह में, इसलिए नाम मैंने पूनम रख लिया। क्या बात। इसलिए वाह 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 क्या पूनम रख लिया, इसलिए नाम मैंने पूनम रख लिया। बहुत बढ़िया। वाह ए गुरुजी गैलन का हो कहाँ बैठा। राष्ट्रीय एकता की जब बात आती है जी यहाँ बैठे हैं, वही तो मैं कहूँ। और आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये वहाँ बैठे तो जैसे आप आई वहाँ बैठ गए सामने, ये भी गजब है, मतलब कि कमाल है ना। ये तो आप बबुरी के लोग हैं, आप समझिए इतने बुद्धिमान लोग होते हैं कि जैसे अब यहाँ बैठ के सुन रहे फिर वहाँ बैठ के, इनको आइसक्रीम भी दे दो तो चारों तरफ से चाट के देखेंगे कहाँ से ज़्यादा मीठा लग रहा है। असल में आज इसको मौका मिला है बोलने का, घर का संचालन कर नहीं पाता है इसलिए मंचों का संचालन इसी को दिया जाता है, हर जगह आप देखेंगे। तो एक बार दमदार बनारसी के लिए जोरदार तालियां, बहुत अच्छा संचालन कर रहा है। बहुत धन्यवाद। और जब छोटा था तब भी मेरा आशीर्वाद था इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल। जब बुढ़ा हो जाएगा, जब तक मैं रहूंगी तब तक आशीर्वाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हाजिर करती हूँ, जब हिंदुस्तान की बात आती है तो मुझे ये बबरी का ये हाल दिखाई देता है, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर इन लोगों को ये देख करके याद आ रहा है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं। बाबरी का सिर्फ ये हाल मत देखिए, वो हाल भी देखिए, वो आप जब से पढ़ रही हैं उसका पता नहीं कहाँ है वो। जितने लोग बैठे हैं ये मिलजुल करके अपना हिंदुस्तान बैठा है। अरे चार पंक्तियां उसको जगाइए कम से कम, इनके कविता पे तो जाग जाए वो आदमी। वाह मालिक। आप यूं बेनकाब मत करिए, आप यूं बेनकाब मत करिए, तंग मुझको जनाब मत करिए, मैं किसी और की अमानत हूँ, मैं किसी और की अमानत हूँ, अपनी नीयत खराब मत करिए, अपनी नीयत खराब मत करिए। ये कौन बात हो, ये हमरे बदे थोड़े न रहल, ये सलीम शिवालवी जी के लिए पढ़ रही थी, वो चले गए उठ के। हमारे लिए कोई बात नहीं है गुरु। जब हिंदुस्तान की बात आती है तो पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं काशी की हूँ बेटी प्रीत,
का उनवाने लिख दूंगी। क्या कहने भाई, मैं काशी की हूँ बेटी, प्रीत का उनवान लिख दूंगी। मैं कांटे की कलम से फूल की मुस्कान लिख दूंगी। मैं कांटे की कलम से फूल की मुस्कान लिख दूंगी। अगर मुझसे कोई पूछे कि जन्नत है कहाँ पूनम, अगर मुझसे कोई पूछे कि जन्नत है कहाँ पूनम, तो उत्तर में कलम से अपना हिंदुस्तान लिख दूंगी। उत्तर में कलम से अपना हिंदुस्तान लिख दूंगी। बहुत बढ़िया। और ये कौमी एकजहती का मंच है, जब कलम आप ही के पास है तो कुल लिख दीजिए, कोई दिक्कत। कविता पढ़ना है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, और फिर भी ये बेटा लगेगा। आप देखिए, जब से पंडित जी बैठे हैं हमार गलती नहीं हो, हर वक्त साथ देने वाली मीत की तरह, बाबा के चित्रपट के संगीत की तरह, है शक की राजदार बन के भाग न जाए, देवी जी लग रही हैं हनीप्रीत की तरह। चार पंक्तियां पढ़ती हूं, हम नहीं कहे, ये पंडित जी के तरफ से था। लगे कि एकदम बिल्कुल सच्चा जवाब मैंने दिया है, तो सभी लोगों के हाथ खुल जाए। हम जानते हैं कि आप लोगों के हाथ खुलेंगे, सिर्फ सुनिएगा। सिर्फ आपकी खुशबू हूँ एक घर की, मैं फजूल नहीं हूँ। खुशबू हूँ एक घर की, मैं फजूल नहीं हूँ। खुशबू हूँ एक घर की, मैं फजूल नहीं हूँ। जो चाहे मुझे सूंघ ले वो फूल नहीं हूँ। जो चाहे मुझे सूंघ ले वो फूल नहीं हूँ। आ गए सलीम दादा की, सलीम शायरा हूँ मैं हिंदी की कवित्री। उर्दू की शायरा हूँ मैं हिंदी की कवित्री। उर्दू की शायरा हूँ मैं हिंदी की कवित्री। तहजीब की पूनम हूँ बेउसूल नहीं। तहजीब की पूनम हूँ बेउसूल नहीं हूँ। अच्छा, वो तहजीब की वो आ गए हैं अध्यक्ष महोदय, सदर मोहतरम, अब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, आप उनको भी देख करके पढ़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात फूलों की हो रही है, मुझे फिर चार पंक्तियाँ राजेश राय की आ रही हैं। हाँ, इनकी तरफ से दे रहा हूँ मैं, इधर इधर से हमारे अध्यक्ष, अध्यक्ष ने मुझे आज उस पे रखा है। अच्छा। हाँ। भाई जब मजदूरी मिल रही है तो हमारी इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। नहीं, हमको लिफाफा पे रखा है इन्होंने कि इनके तरफ से हम जवाब इनको दें। ये बात फूलों की कर रही हैं राजेश राही ने, इन्हीं के लिए चार लाइनें लिखी थी कि मुखालिफ भी जवाब पर देखना, डॉक्टर साहब मुखालिफ भी जवाब पर देखना, ताला लगा लेंगे हमारे सब्र का जिस दिन वो अंदाजा लगा लेंगे, और वफा का फलसफा इनको सुनाकर क्या करेंगे ये कल जूड़े में कोई फूल फिर ताजा लगा लेंगे। स्वागत है। शायरी में मैं तुझे बेनकाब कर दूंगी। बाद में शायरी आप ही को पढ़नी। शायरी में मैं तुझे बेनकाब कर दूंगी। इसी महफिल में तुझे लाजवाब कर दूंगी। क्या बात। इसी महफिल में तुझे लाजवाब कर दूंगी। शायरी करना बहुत सोच के करना वरना। शायरी करना बहुत सोच के करना वरना। शायरी करना बहुत सोच के करना वरना।
बहुत खराब हूँ तुझको खराब कर दूंगी, बहुत खराब हूँ तुझको खराब कर दूंगी। सलीम दादा, बहुत खराब हूँ तुझको खराब कर दूंगी। ये जवाब देंगे आकर के, ये खराब नहीं होना करके ये जवाब देंगे। तुम जवाब दे करके पढ़ने दो, पढ़े हम आउट ऑफ कोर्स किताब पढ़े क्यों, ये इनका विषय है ये समझे। हमसे क्या मतलब, हम अभी हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, हम काहे एम ए बी ए की किताब की तरफ देखें भाई। देखिए बताइए। हाँ नहीं नहीं स्वागत है, स्वागत है, आइए। आप इनको खराब करिए, जो करना है करिए, ये आपके हवाले हैं, आज के सदर गदर काटेंगे। चार मिसरे पढ़ती हूँ इन्हीं के लिए, समाप्त कीजिएगा। मुशारा और कवि सम्मेलन का कौमी एकजहती का हिंदू उर्दू का मंच है, तो चार मिसरे हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा, हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। वाह। कि मैं प्रेम व उल्फत की पहचान भी रखती हूँ, पहचान भी रखती हूँ। क्या बात है। मैं प्रेम व उल्फत की पहचान भी रखती हूँ, इस देश की माटी का अभिमान भी रखती हूँ, अभिमान भी रखती हूँ। काशी की महिण दो हो, पर दिल है बड़ा मेरा, इस दिल में मैं गीता संग कुरान रखती हूँ, कुरान भी रखती हूँ। अच्छा है, कहने का मतलब, और चार मिसरे पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। गीता संग कुरान भी रखती हूँ, कहने का मतलब दोनों को खराब कर सकती हैं। मानती हूँ कि सबकी चहेती हूँ मैं, मानती हो कि सबकी चहेती हूँ मैं, बाह में चांदनी को समेटी हूँ मैं, बाह में चांदनी को समेटी हूँ मैं, लाज मेरी रखो ऐ खुदा के नबी, लाज मेरी रखो ऐ खुदा के नबी, दिल में काबा है काशी की बेटी, वाह वाह वाह, दिल में काबा है काशी की बेटी हूँ मैं, क्या बात, दिल में काबा है काशी की बेटी हूँ मैं, बहुत बढ़िया। और चार मिसरे पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि कौलो अमल से अपने फिसलने लगे हैं आज, कौलो अमल से अपने फिसलने लगे हैं आज, कौलो अमल से अपने फिसलने लगे हैं आज, मौसम की तरह लोग बदलने लगे हैं आज, मौसम की तरह लोग बदलने लगे हैं आज। बहुत लोग ऐसे हैं जो अब कहने की बात नहीं है, राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। पंक्तियां अंतिम पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये पंक्ति किस पंक्ति की तरफ देख के पढ़ रही थी? के लिए मैं बाई से तस्कीन थी कभी, हाँ।
जिनके लिए मैं बाई से तस्कीन थी कभी। अच्छा, जिनके लिए मैं बाई से तस्कीन थी कभी, वो भी तो मेरे नाम से जलने लगे हैं यार, वो भी तो मेरे नाम से जलने लगे हैं यार, वो भी तो मेरे नाम से जलने लगे हैं। बहुत अच्छे, वाह। और श्रृंगार की पंक्तियां पढ़ती हूँ। हाँ, वो द्विवेदी जी कह रहे थे कि भोजपुरी का एक गीत हो जाता तो काशिका का मजा आ जाता। ये बेल्ट है, बिना भोजपुरी के मजा नहीं आएगा। हाँ, एक गीत पढ़ती हूँ। हाँ, और सब मिला जुला है, सुनिए। हाँ हाँ, भोजपुरी ही पढ़िए, मजा आएगा। वो गीत अभी बहुत बहुत बार मैं सलीम भाई के कार्यक्रम में आ चुकी हूँ, तो मैं बहुत भोजपुरी सुना चुकी हूँ वहाँ पर। गीत बिल्कुल बिल्कुल नया गीत आपके बीच में रखती हूँ। सलीम, और आपने क्या कहा, सलीम भाई कहा? इस गीत के लाहौल विला कुआ थम ना बैठेंगे नहीं ये बैठी। इस गीत के साथ साथ आप सबकी तालियां मुझे चाहिए, हाजिर करते हुए सुनिएगा। अभी मेरी बेटी मानिए या मेरी बहू मानिए, मेरे ये छोटी बेटी ही मैं कहती हूँ इसको, विभा आपके बीच में सुना रही थी, राधा और कांधा के बीच की बात कर रही थी अपने गीतों के माध्यम से। मैं पढ़ती हूँ, इशारा कहाँ है आप लोग समझ लीजिएगा, गीत पढ़ती हूँ। जब गीत का पूरा सार मैं बता दूंगी तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। सबसे पहले भोजपुरी में एक मुक्तक, उसके बाद गीत पढ़ती हूँ। स्वागत है। कि आग लागी तक कुछ पल लहक बैकरी, क्या कहने, आग लागी तक कुछ पल लहक बैकरी, फूल कौनो रही पर महक बैकरी, तजब लगी चोट पतिया के तोहरे सुना, शीशयसई कर जवा चटक बैकरी। क्या कहने, शीशा सही करे जवा चटक बैकरी, शीशा सही करे जवा चटक। क्या अंदाज है। आइए गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। गीत जैसा मन बना लीजिए, गीत पढ़ती हूँ, बिल्कुल नया गीत। बाली उम्र लड़कियाँ, बाली उमरे लड़े कैया अभी छेड़ो न सैया, बाली उमरे लड़े कैया अभी छेड़ो न सैया, छेड़ो न सैया अभी छेड़ो न सैया, छेड़ो न सैया अभी छेड़ो न सैया, खाए ना अरे खाए ना बल करियैया, अभी छेड़ो न सैया खाए ना बल करियैया, अभी छेड़ो न सैया। बंद पढ़ती हूँ इस गीत का, तालियों के साथ साथ अगर आप लोग जुड़ेंगे गीत के साथ तो गीत यहाँ पर सुनाना मेरा सार्थक हो जाएगा। हाजिर करते हैं, सुनिएगा। कि छलके गिगा गए छलके गिगागर तो भींगेगी सारी, छलके गिगागर तो भींजेगी साड़ी, मारेगी ताना सब सखियां हमारी, मारेगी ताना सब सखियां हमारी, देखो देखो मरोड़ो न बैया अभी छेड़ो न सैया, देखो मरोड़ो न बैया अभी छेड़ो न सैया, बाली उमर लड़े कैया अभी छेड़ो न सैया।
जिस दिन पिया फूल बनके खिलूंगी, जिस दिन पिया फूल बनके खिलूंगी, वादा रहा तुमसे आकर मिलूंगी, वादा रहा तुमसे आकर मिलूंगी, पनघट पे पीपल की छैया अभी छेड़ो न सैया, पनघट पे पीपल की छैया अभी छेड़ो न सैया, बाली उमर लड़े कैया अभी छेड़ो न सैया, जूड़े में प्यार का गजरा सजा के, जूड़े में प्यार का गजरा सजा के, चूनर मोहब्बत का तोहका ओढ़ा के, चूनर मोहब्बत का तोहका ओढ़ा के, अरे लागू लागू बलम तोरी पैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी छेड़ो न सैया, लागू बलम तोर पैया अभी छेड़ो न सैया। अंतिम बंद आपके बीच हाजिर, बहुत सुंदर शानदार, करो पर जोरी है, अरे करो पर जोरी ना पकड़ो कलाई, करो पर जोड़ी ना पकड़ो कलाई, पूनम की मत करो जग में हंसाई, पूनम की मत करो जग में हंसाई, खाएगी अरे खाएगी बल करियैया अभी छेड़ो न सैया, खाएगी बल करियैया अभी छेड़ो न सैया, बाली उमर लड़े कैया अभी छेड़ो न सैया, अभी छेड़ो न सैया, अभी छेड़ो। बहुत बढ़िया शानदार प्रस्तुति।